गाइस हम लोग जा रहे हैं माँ का मठ का दर्शन। हम लोग बस में एंट्री कर चुके हैं और हमारे साथ अमित भी हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और हमारे साथ हमारे अंकल है, आपके लिए कुछ आशीर्वाद। तो हम लोग जा रहे हैं माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए और यहाँ के बाद हम डायरेक्ट आप लोग दिखाएंगे कामाख्या माँ का मंदिर किस पहाड़ पे है। वहाँ जाने के बाद आप लोग दिखाएंगे एकदम अच्छा सा। तब तक के लिए आप लोग वेट करके रखिएगा, ठीक है? चुके हैं कामाख्या माँ के गेट पे। माँ कामाख्या देवालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए गेट पे आ चुके हैं हम लोग और गेट में यहाँ से फिर हम लोग वहाँ बस पकड़े हैं। बस पकड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग गेट के पास उतरे हैं और यहाँ से अब फिर से हम लोग की एक दूसरी यात्रा आरंभ होगी और इसके बाद हम लोग माँ 3 किलोमीटर इसके ऊपर जाके माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है माँ कामाख्या का प्लेस। फिर से हम लोग बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के हम लोग माँ कामाख्या गेट से माँ कामाख्या मंदिर में जाएंगे और अब हम लोग बस में एंट्री कर रहे हैं और बस में आ चुके हैं हम लोग और कामाख्या गेट से हम लोग माँ कामाख्या दर्शन करने के लिए जाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग बस में बैठ चुके हैं, हमारा इलेक्ट्रिक बस खुल चुका है और ये नीलांचल की पहाड़ियों पे माँ कामाख्या का मंदिर है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे आज हम लोग। और और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है क्योंकि ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर जाना है। 3 किलोमीटर ऊपर की ओर जाना है। ऊपर मैंने कि आप लोग ये ऊपर मत पहुंच जाइएगा भगवान के पास 3 किलोमीटर ऊपर जाना है। और बहुत ही मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक व्यू है फ्रेंड, यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्लेस है, आप लोग आकर कभी देखिएगा। बहुत ही खतरनाक प्लेस है, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। और ये वाह क्या खतरनाक, यहाँ का नीलांचल पर्वत पे पूरा का पूरा सिटी बसा हुआ है। सिटी मैंने पूरा भरी है। देखिए इस पहाड़ पे पहाड़ को कटिंग करके यहाँ पर घर रहने के लिए बनाया गया है और माँ कामाख्या का टेम्पल यहीं से पास में है। बस से उतर चुके हैं और बस उतरने के बाद हम लोग कुछ देर पैदल चल के जाएंगे माँ कामाख्या का टेम्पल का दर्शन करने के लिए। ग्राउंड प्लेन पर लोग घर नहीं बना पा रहे हैं और यहाँ पे पहाड़ियों को तोड़ के लोग घर बना दिए हैं, बताइए। गजब का इंटरेस्टिंग प्लेस है फ्रेंड्स, आप लोग आगे कभी देखिए। आपको शर्म आना बताइए, लाइन में आप लोग रह रहे हैं, लाइन में आप लोग बना नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे लोग पहाड़ों को तोड़ के घर बना के रह रहे हैं, पूरा शहर बसा के बैठे हुए हैं। बताइए इतना डेवलप हो गया है। हाँ तो बोलिए यहाँ पे बताइए अंकल कैसे हम लोग प्लेन पे घर नहीं बना पा रहे हैं, प्लेन जमीन पे, और यहाँ पे पहाड़ियों पर घर बना दे रहे हैं लोग, कैसे? वहाँ पे हराम पे मिला है ना, हराम में मिला है। तो मैंने हराम का मिलता तो वहाँ नहीं बन पाता है, लेकिन यहाँ पे मेहनत से किया हुआ लोग यहाँ बना लिया है। मेहनत में दम होता है ना। खुद के खेती किया हुआ और बाप के संपत्ति में बहुत अंतर रहता है बेटा। बहुत ही अच्छा बात बोले हमारे अंकल, पूरा दिल को टच किया। और आप लोग भी इसको पालन कीजिए, जल्दी से जल्दी मोटिवेट हो जाइए। झोपड़ा झोपड़ी में रहने का आदत हो गया है, वो झोपड़ा झोपड़ी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है लोगों को। सुअर वाला बात हो गया है, खोबरिये में ठीक लगता है, कोहबर में ठीक लगता है, कितना अच्छा। यहाँ पे माँ सिद्धेश्वरी टेम्पल और माँ कामाख्या देवालय हेल्थ सेंटर भी है और यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे आप लोगों को टिकट भी मिल जाएगा काउंटर कामाख्या देवालय का। और बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, ऐसे माँ का धाम है, इंटरेस्टिंग तो होगा ही। यहाँ पे बहुत सारे हजारों लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना को रखते हैं, माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। देख कर अचंभित हो चुके हैं कि यहाँ लोग प्लेन पर जमीन बना नहीं पा रहे, घर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ों को तोड़ घर बनाया गया, पूरा शहर बसा दिया गया। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पूजा का सामग्री लेने का सिस्टम। बच्चा है कुछ कर रहा है, समझो तुम लोग। देखिए हमारे अंकल क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं जो बात को उसको समझा जाए।
कितना दिन खुबारी में रहोगे भाई? खुबारी में आप देखिए, हमारे अंकल कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग बाप बेटा और भांजा इसीलिए आए हैं माँ के दरबार में कि आप लोग को सदबुद्धि मिले। हम लोग का आशीर्वाद ऑलरेडी मिल रहा है। आशीर्वाद तो सबको मिला, सबको सदबुद्धि मिले और आशीर्वाद तो सबको मिल ही रहा है। हमको भैया नहीं करोगे हमारे बात कुछ खराब मत मानिएगा, खराब मान के कुछ कर नहीं पाइएगा, कर नहीं पाएंगे कुछ भी नहीं। आप लोग डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं हमारे अंकल, आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या की सीढ़ी मंदिर की सीढ़ी बहुत ही अच्छा माँ कमा के सीढ़ी, हम लोग सीढ़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और हर तरफ मंदिर के आसपास में चारों तरफ पूजा की सामग्री मिलती है, प्रसाद वगैरह वगैरह, फूल माला चुनरी बहुत कुछ मिलता है, तो हम लोग भी प्रसाद लेंगे। हालांकि हम लोग ग्राउंड से 3 किलोमीटर ऊपर में है पहाड़ में, यहाँ से हम लोग परचेस करेंगे अपना कुछ पूजा की सामग्री। प्रसाद ले रहे हैं, ऐसे प्रसाद की मांग माँ नहीं करती है, लेकिन हम लोग अपने मन को विदित करने के लिए मांग ले रही है। हम लोग प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से और प्रसाद ने मन चढ़ा रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई ये नहीं है, फाउंडेशन नहीं है कि आप लोग प्रसाद लेकर ही मंदिर में जाइए, और आप लोग अपना अगर मन करें तो घूमिएगा। कि मन आज बहुत ही ज़्यादा लाइन लगा हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि शनिवार है ना, शनिवार के दिन माँ कामाख्या और सोमवार के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, माँ कामाख्या हो या काली माँ का टेम्पल हो, लेकिन माता के दर्शन के लिए हम लोग को लाइन लगाना ही पड़ेगा। माँ कामाख्या मंदिर में लाइन लगाने के लिए हम लोग घुस रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। माँ कामाख्या का दर्शन जरूर जरूर करेंगे हम लोग आज। भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आते हैं, माँ कामाख्या के सभी भक्त बहुत ही अपार अनुकंपा है माँ की, जिससे इनकी भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे भाई बैठे हुए भैया और अंकल हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, बहुत ही मुस्की काट रहे हैं, क्या कह सकते हैं मुस्की। हम लोग अब लाइन में लगते हुए आ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए। बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था, 7 बजने वाला है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और हमारे साथ अमित भी अभी है लाइन में, और हमारे अंकल भी है। यही सब हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, बहुत देर से लाइन लगाए हुए थे माता के दर्शन के लिए। और यहाँ पे एक कुंड है जो कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, सौभाग्य कुंड इसका नाम है, ये एक सौभाग्य कुंड है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दिन में आने में बहुत ही अच्छा, यहाँ पर फाउंटेन गाइस, जितना आप लोग देख रहे हैं ऊपर में गुंबज है बना हुआ, ये सब सोना का बना हुआ, जितना आप लोगों को गोल्डन दिख रहा है, आप लोगों को जो चमकता हुआ दिख रहा है पीला रंग का, पूरा सोना का बना हुआ है। गाइस हम लोग सबसे लास्ट भक्त है जो कि माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे, सबसे प्रिय लगते हैं हम लोग माँ कामाख्या के, सबसे लास्ट हम लोग आए हैं और माँ का दर्शन करके जाएंगे हम लोग। अभी सही हो गया, मुश्किल रहा है बोलिए भक्त जोड़े हैं हम लोग, बोलिए देख के बोलिए हाँ। हम लोग सबसे नज़दीकी है, हमारे अंकल बोल रहे थे कि ये अपना कुछ थ्यूरी रखा है, थ्यूरी माँ का थ्यूरी चलता है। माँ का मंदिर है ये, बहुत ही भव्य मंदिर बना गया है, माँ की अनुकंपा है बहुत ही ज़्यादा हम पे, ये हम लोग आज दर्शन कर पाए। हम लोग सबसे लास्ट में दर्शन किए हैं, हम सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंड, और ये सब देख रहे हैं जो भी गुंबज, आप लोग गुंबज के ऊपर जो भी लगा हुआ है वो गोल्डन का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यही है गर्भगृह, ये गर्भगृह माँ का, यहाँ पे कैमरा लगाना अलाउ नहीं है। हमारे अंकल है यहाँ पे, ये हमेशा आते जाते रहते हैं और बहुत ही माँ की बहुत और बने रहे, इनको ऐसा हम लोग यहाँ पे माँ के पास आ पाए हैं।
हम लोग अगरबत्ती को बत्ती जलाने का पूरा यहाँ पर प्रोग्राम में सब कुछ है, यहाँ पर रखा हुआ है, सिस्टम रखा गया है। और यहाँ पे आप लोग आकर नारियल बोल सकते हैं, हम लोग अभी नारियल यहाँ पर बो रहे हैं। और यहाँ पे आप बोलिए मंदिर में आप कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, और माँ अपार अनुकंपा है जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा ये हैं। और यहाँ से नीचे का व्यू कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है, पूरा लग रहा है आकाश नीचे में आ गया धरती पर। बाद अपने घर की ओर जा रहे हैं, टैक्सी बुक किए हैं।